यार मेघना तेरे तो सही नंबर आ गए यार, हमें तो साली कॉमर्स ही मिलेगी अब। भाई यार आपके बार रिजल्ट बहुत कम आया यार, तुम्हारा क्या रहा? भाई हम दोनों की तो 8.4 CGPA आई है, पर तू तू उदास मत हो मेरे भाई, तू हमारे से चलना पार्टी करने, तेरा भी मूड ठीक हो जाएगा है, घबरा मत। वैसे तेरा कितना CGPA आया? किसी को बताना मत, बहुत बेइज्जती हो जाएगी स्कूल में। 9.8 CGPA। 9.8 CGPA बहनचोद, ये कम है तेरे लिए? साले तुम तो दो लंडे पास हो जाए बेशरम आदमी। अरे ये सब छोड़ो यार, तुम क्या सोच रहे हो, आई कौन सी स्ट्रीम लोगे? भाई हम तो कॉमर्स ले रहे हैं। कॉमर्स ले रहे हो? चलो तुम्हें कॉमर्स मिल रही है क्योंकि हमारे स्कूल में आर्ट्स नहीं है। अब तरक्की बच्ची होना होता है साइंस करना। मैंने सोच लिया है साइंस करूंगा, फिर आगे जाके आगे तो साइंस करेगा और फिर तेरी औकात में होगा तो तू कोटा जाएगा, नहीं तो यही किसी कोचिंग सेंटर से IIT की तैयारी करेगा, और IIT इससे क्लियर होने इसकी तो बस की नहीं है। तो फिर एक काम कर, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके BTech कर ले और फिर तेरी कॉल सेंटर में नौकरी पक्की। नहीं, क्यों होगा मेरा IIT मेंस क्लियर होगा? बेगांडू, क्योंकि 9.8 CGPA है ना तेरी होम बोर्ड्स में आई है, बावजूद इसके तू सारी ट्यूशन ना स्कूल की टीचरों से लेता था। चोदू चल भाग यहां से। IIT चल। अकाउंट्स क्लास में आपका स्वागत है। फाइनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही है, मैं स्टार्टिंग से इसका वेट कर रही थी। चल चल आगे देख अपने पापा मत से। अकाउंट्स क्या है सर? कॉमर्स का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट। अकाउंट्स एक तरीका है जिंदगी के फाइनेंस को मैनेज करने का, जो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पर चलता है, यू नो। सर उधार लो तो कदे वापिस ही ना करो। नहीं, डेबिट जो जाता है, क्रेडिट जो आता है। रिपीट करो, डेबिट जो जाता है, क्रेडिट जो आता है। वेरी गुड, अब बस ये याद रखो वो सारा अकाउंट चुटकियों में क्लियर, ठीक है? वाह यार ये तो बड़ा ही आसान था। अब देख तेरा भाई कैसा स्कूल टॉप मानेगा मैच। और अब प्रैक्टिकल का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टी से अकाउंटिंग। ओए इधर ध्यान दे ले, कहाँ ध्यान है तेरा? आज के लिए इतना ही बहुत है, 5 से 15 तक के क्वेश्चन तो तुम आराम से कर लोगे। बस 10 सवाल, ये तो आसान है गुलाटी यार। 10 सवाल आसान है? साले 10 सवालों की लाइनें खींचते खींचते ना मेरे हाथों की लकीरें मिट जाएंगी, पहले ही नहीं है। ओए सुनो, तुमसे कह रहा हूं मैं, कल सैटरडे संडे है, रात को पिक्चर मत देखना, काम करना, समझे ना? ओके। सर सर कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर? जाओ लेके आओ। क्या बैठ जाओ सारे यहां, कोई नहीं जाएगा, समझे? बैठ जा। चला
बाहर खाते ना जरूर बैठ के। आ मेरे लाल, चला बाहर खाते हैं। खड़ा हो, आ जा आ जा आ जा, मैं तुझे खिलाता हूँ ना। आ आ ना, ऐसे खिलाता हूँ जिंदगी में तूने कभी खाया नहीं होंगे बेटे। आ क्लास है कि प्लेग्राउंड? किसका पीरियड है क्लास? मैम वो अकाउंट्स वाले सर आए नहीं ना, तो गेम्स का सब्स्टिट्यूशन है। सीट पे बोर्ड सर पर है और इसको खेलने की लगी है। गेम्स का सब्स्टिट्यूशन नहीं, इको का पीरियड है। हम इको की बुक्स निकालिए, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। किताब इकोनॉमिक्स की निकालो। गुलाटी रिविजन कर ले, नहीं तो यूनिट टेस्ट में तो फेल हो जाएगा। ऐसे ही फेल हो जाऊंगा, मैं घर जाकर रिविजन कर लेता हूं अपने। ठीक है, अपना ध्यान रखो दोनों। अच्छा तो एक काम कर, HUF की फुल फॉर्म बता जरा। HUF वो हिंदू हिंदू यूनाइटेड फंड। क्या बोल रहा है तू, कोई सेंस बनता है इस बात का? कुछ भी बोलना होता है। जब भी तो मैं कहता हूं अच्छे से सुनता नहीं, मेरी नहीं मेघना की बात को। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका हेड होता है कर्ता, समझा? तो इसमें अपना थॉमस एडजस्ट हो जाएगा क्या? मतलब नहीं नहीं वो तो नहीं आएगा, वो तो क्रिश्चियन है ना। कुछ भी बोलता है ना तू, अच्छे से ना पढ़ ले, नहीं तो ये HUF CUF करता रह जाएगा तू। तू बताएगी मेरे को? आजा। हाँ बोलो। अरे यार बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मैं तो छोड़ रहा हूँ इसको यार। पागल है तू, ऐसा तो बिल्कुल भी मत करियो। अरे यार तू एक काम करना, तू BRS छोड़ दे भाई, मैंने भी छोड़ दिया। तू पागल है गुलाटी, लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था वो। वही तो कह रहा हूं, जो लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया वो उसमें भी नहीं आएगा ना। ऐसा तो करने की सोचना भी मत सपने में, जो लास्ट में नहीं आया वो इस बार तो जरूर आएगा। फिर मैं डिप्रेशन छोड़ देता हूं, लास्ट टाइम 10 नंबर का आया था वो। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल भी मत छोड़ना। तू मेघना पागल है, अभी तो तू कह रही थी। अच्छा मेरी बात सुन, देख जो लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया वो इस अटेम्प्ट में जरूर आएगा, और जो लास्ट अटेम्प्ट में कम नंबर में आया इसमें ज्यादा आएगा। समझ गया मेरी माँ, मतलब जो पेपर है ना वो 100 नंबर का नहीं है, 1000 नंबर का है, क्योंकि कुछ छोड़ तो सकते नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा तो तू थ्योरी छोड़ देना, वो नहीं आती। अब चल मुझे रिविजन करने थे, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रिविजन हुए, और हाँ DK गोयल से ही रिवाइज करना, समझे? यार मैं तो NCERT से कर रहा हूँ। और मैं TS गरेवाल से। बाय। यार ये तो सही है यार, 2 बार रिवीजन कर चुकी है, वो भी DK गोयल से। भाई गुलाटी मुझे लगता है ना हमें पढ़ना पड़ेगा, कि 11वीं 3-4 बार में क्लियर ना करनी पड़े हमारे को। चल चल मैं तो खत्म कर दूंगा, तू अपना देख ले। भाई मैं खुद पढ़ रहा हूँ भाई। बाय बाय। 3-4 बार। मैम मेरा वो लॉ ऑफ डिमांड भी मिस हो गया था, आप एक बार दोबारा समझा देंगी? एक तो जब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, क्लास में ध्यान रखा करो। The law of demand states that a higher price typically leads to a lower quantity demanded. मैम थोड़ा आसान वर्ड में समझा देंगी प्लीज? देखो बहुत सिंपल, जैसे ही किसी आइटम का प्राइस बढ़ता है मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती है, या वाइस वर्सा। एग्जाम्पल के लिए नींबू ही ले लो, नींबू का प्राइस हाई है, लोग कम नींबू खरीद रहे, इसलिए प्राइस हाई तो डिमांड लो। वेरी गुड। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तूने मुझे इतनी रात को नीचे बुलाया घर के? इतनी कौन सी रात हो गई, 8 ही तो बजे अभी रात के। और मैंने तो तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया था कि मैंने ना इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी पूरी चार्ट डालिया। तू और पढ़ाई। ओ हेडलाइन को ना पढ़ाई करना नहीं कहते, और तेरे कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला। अबे सालो मैं तुमको अभी खड़े खड़े समझा सकता हूँ। अच्छा पढ़ा के दिखा। अब देख जैसे बिस्किट खा रहा है, इसने एक बिस्किट खाया तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी हुई 20, और अगर इसने लालच में आके पूरा पैकेट बिस्किट का खा लिया तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी हुई 18। हाँ ऐसे कैसे कैसे, चल चल कुछ भी मत बोल। अरे सेटिस्फेक्शन कम हो गई ना। चुतिया है। अच्छा एक बात बता, इन्हें 6 बिस्किट और खा लिए तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0। अगर 2 और खा लिए तो गांडू तेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी माइनस नेगेटिव में, समझ गया? और तू हमारे बिस्कुट हमें वापस करेगा। अब बोलने ही वाला था, सफेद कलर में और खट्टे पानी के साथ। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार गुलाटी यार। अबे भाई डर तो मेरे को भी लग रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं, अब जो है यही है भाई। अरे तुम दोनों चिल करो, ये अकाउंट्स का पेपर जितना टफ दिखता है ना उतना होता नहीं है। अबे भाई मेरे तो ये सोच के फट रही है कि मेरी बैलेंस शीट मैच होगी भी या नहीं होगी। अबे यार तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है यार, और पेपर से पहले ना पढ़ते नहीं है, ठीक है बंद कर दो उसको, जो होगा देखा जाएगा। स्ट्रेस? तुम कॉमर्स वालों को कौन सा स्ट्रेस भाई, तुम करते क्या हो?
या तो वो एक ग्रंथ बनाते रहते हो या वो एक टेबल बना के उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखते रहते हो। सीरियसली लाइक कॉमर्स में पढ़ाई होती भी है, तुम्हें पता भी है साइंस कितनी टफ है। बड़े आए स्ट्रेस। सही कह रहा है मेरे भाई, साइंस टफ है लेकिन कॉमर्स में पढ़ाई नहीं होती, ये बोलने का अधिकार तो अभी भी किसी के पास नहीं है। तुम लोग ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के इंजीनियर तो बन जाते हो लेकिन तुम्हारी तनख्वाह कौन देता है? हम कॉमर्स वाले। देश दुनिया का पैसा कैसे बचाना है, कैसा बढ़ाना है, कैसे संभाल के रखना है ना, ये सब हमारे कॉमर्स स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। और अगर कल को तेरा गलती से IIT क्लियर हो भी गया ना तो उसके सेकंड ईयर में मेरे भाई बिजनेस और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है जो कि अगेन हमारी स्ट्रीम में ही आता है। मेरे भाई तुम रॉकेट से लेकर शहर तक कोई भी चीज बना लो उसकी कोस्टिंग के लिए ना तुम्हें कॉमर्स वाले की जरूरत पड़ेगी और उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। देख गौरव, हमें तुझे नीचे दिखाने का ना कोई इंटेंशन नहीं था लेकिन तू भी तो समझ, ये सोसाइटी ना एक मशीनरी की तरह है और वो तब फंक्शन करती है जब सारे पार्ट्स इक्वल कोऑर्डिनेशन में काम करे, वरना मशीनरी के सारे अस्थि पंजर सब बिखर जाते हैं, समझ गया? सॉरी यार, वो थोड़ा एरोगेंस में आके मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। अरे चल पेपर कट। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ये था माइक्रो का लास्ट टॉपिक मार्केट इक्विलिब्रियम। और अब छुट्टी, शुक्र है इकोनॉमिक्स खत्म हो गई। अभी कहाँ बेटा जी, अभी तो इकोनॉमिक्स शुरू हुई है। पर मैम आपने अभी तो कहा कि इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक था। बेटा जी वो माइक्रो का था, अभी तो पूरी मैक्रो बची है जिसका फर्स्ट टॉपिक है नेशनल इनकम। ये सुनने से पहले मेरे को मैक्रो हार्ट अटैक क्यों नहीं आ गया? हे भगवान, अभी बोर्ड होने से पहले ना कोई और नया सरप्राइज मत दे देना मेरे को। बेटा जी इतना ऊपर देख लो, प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड्स के मार्क्स तो नीचे वाले ही देंगे, ध्यान दे ले। आ बोलो भाई लोगो। अबे यार कल ना अकाउंट्स का पेपर है, मेरी ऐसी फटी पड़ी है ना, दो बार रिवीजन कर ली, ऐसा लग रहा है अभी तक कुछ पढ़ा ना हो। अरे यार तुम लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, प्री बोर्ड ही तो है, एटलीस्ट कम नंबर आए तो तुम्हें प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी ना। प्रैक्टिस? अबे यार फटी पड़ी है साले, पास होंगे भी कि नहीं होंगे यार। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम लोग कैश फ्लो, शेयर्स और पार्टनरशिप याद रखना, बस और कुछ नहीं। अबे भाई वो तो मेरे दिमाग में छपा हुआ है, मुझे तो शेयर और अलॉटमेंट के सपने आते रात भर। ऐसे यार ऐसा नहीं लग रहा, कल ही तुम्हारी बात हुई थी कि यार ये कर रहा है ये नहीं कर रहा, ये छोड़ के जाना है, और आज देखो कल पेपर भी आ गया। हाँ यार टाइम कितनी जल्दी निकल गया ना, अब चलो मुझे सोना भी है रिविजन करके, और हाँ कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ तेरे को भी बेस्ट ऑफ। चलो ओके, गुड नाइट गाइस। ओके बाय, गुड नाइट। ये डेप्रिसिएशन वाला तो क्या मस्त था यार, इतना इजी था ये। अरे कहाँ यार, थर्ड ईयर के बाद मेरा तो मैच ही नहीं हुआ। अबे साले वो तो स्ट्रेट लाइन से करना था तेरा, वो भी मैच नहीं हुआ, ये क्या अकाउंटेंट बनेगा ये। ओ हेलो, वो स्ट्रेट लाइन से नहीं डिमिशिंग से करना था। गए को लड़ते के साथ नंबर। अच्छा तुम ये सब कुछ छोड़ो, परसों के पेपर की पूरी तैयारी है ना। अरे बैचो इंग्लिश के पेपर की तैयारी कौन करता है। ओ हेलो, इंग्लिश से ही परसेंटेज मिलती है, लास्ट पेपर है, थोड़ी सीरियस हो जाओ, आगे ना बोर्ड आने वाले, सुख चैन सब छिन जाएगा। यार ये साला टाइम कितनी जल्दी बीत गया ना, कुछ समझ ही नहीं आया यार। और ऐसे तो हम जा नहीं सकते ना, कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा स्कूल में। क्या करोगे? अब क्या करने वाला तू भाई? धमाका। क्या करने वाला है तू? चल मेघना यहाँ क्या कर रही है? यार मेघना तेरा दिमाग खराब है, फेयरवेल है, लेट हो रहे हैं। काम हल देते तुम दोनों। चल ना हम बम फोड़ने गए थे, आजा फटाफट चले।
यार मेरे को नहीं क्लास छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, इतना टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन हम अपनी यहाँ निशानी जरूर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ वो तो है। अबे गुलाटी तुझे वो बात याद है, तूने 10th क्लास में अफवाह फैला दी थी कि हमारा स्कूल ना कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है और यहाँ के वॉशरूम से कंगरू की आवाजें आती हैं। अबे सबसे बढ़िया तो वो वाला था जब मैंने वो वाली अफवाह फैलाई थी कि मैंने कृतिका मैम और अर्जुन सर को। वो तो लग ही रहा भाई। अरे बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फेयरवेल का टाइम हो गया, चलो सारे बाहर। हाँ मैम बस चल रहे हैं। मैम एक मिनट, वो मैम हमने 2 साल आपको इतना परेशान किया और इतना इरिटेट किया आपको, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारे एग्जाम से पहले हमारे डाउट्स लिए, क्लियर करे। रियली थैंक यू सो मच मैम, दैट रियली मींस अ लॉट। अरे वैसे भी तुम शैतान थे मगर बहुत प्यारे थे, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा साथ ना दूं और तुम्हें सपोर्ट ना करूं। और वैसे भी ये 2022 का 12th बी का सबसे बेस्ट बैच था और रहेगा। अब जल्दी उठो नलायक, फेयरवेल के लिए लेट हो रहे, चलो सारे बाहर। तेरा साथ ना छोड़ेंगे यारो, दोस्ती बड़ी हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो रास्ता, बेगरस तेरा हो यार कोई तो हो रास्ता। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, टूटी यारिया मिलाते ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया टूटी यारिया मिलाते।
तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।